दोस्तों, ये है पेंटागन ऑफिस जो कि अमेरिका में है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कहा जाता है, लेकिन अब नहीं कहा जाएगा क्योंकि भारत में एक ऐसे ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है जो इससे भी बड़ा होगा। यानी कि भारत में बन रहे इस इमारत ने अमेरिका के पेंटागन ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये कार्यालय भारत के किस राज्य में बन रहा है, ये कितना बड़ा होगा, इसे बनाने में कुल कितने पैसे खर्च होंगे, इस कार्यालय का निर्माण सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए किया जा रहा है या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है। स्वागत है आपका भेस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं इंडियन फैक्ट वन। दरअसल गाइस, इस इमारत का नाम सूरत डायमंड बोर्स है जो कि गुजरात के सूरत शहर में बनाया जा रहा है। ये एक डायमंड बिजनेस सेंटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 660,000 वर्ग मीटर है। ये 36 एकड़ में फैला हुआ है। इस कार्यालय की लागत 3200 करोड़ रुपये है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो एक समिति ने राज्य सरकार से 627 करोड़ रुपये में जमीन खरीदी थी और इस इमारत का डिजाइन तैयार करने का काम शुरू किया गया। इसका डिजाइन तैयार होने पर अहमदाबाद की कंपनी PSP प्रोजेक्ट को इमारत के निर्माण का ठेका दिया गया। साल 2015 में इस कार्यालय की आधारशिला रखी गई। इसके बाद दिसंबर 2017 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया। अगले 2 सालों तक इसका काम चला, फिर आगे के 2 साल कोरोना महामारी में निकल गए। फिर कोविड के खत्म होने के बाद दोबारा इसका काम शुरू किया गया। इसके बाद इसका काम बिना रुके लगातार चलता रहा और 2022 तक ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। 2 साल की कोरोना महामारी के बावजूद भी ये 5 साल में बनकर तैयार हो गया। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। तो गाइस, ये थी इसके कंस्ट्रक्शन की जानकारी। ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय होगा, तो चलिए जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी सुविधाएं होगी, साथ ही इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखा जाए तो गुजरात का सूरत पूरी दुनिया में फेमस है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के 90% डायमंड यहीं पर तराशे जाते हैं। सूरत के हीरे व्यापारियों का कहना है कि उन्हें एक छोटे बड़े व्यापार के लिए मुंबई जाना पड़ता है, जिसमें 4 घंटे से अधिक का समय लगता है। साथ ही यात्रा में कई तरह की परेशानी भी होती है। इसके अलावा सूरत में 2 हीरा बाजार है, महिदर पारा और वराच्छा बाजार, जहां व्यापारी बिना किसी सुरक्षा उपाय के खड़े होकर सड़क के किनारे लेनदेन करते हैं। और इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सूरत में यह कार्यालय बनाया जा रहा है। सूरत डायमंड बोर्स में 9 आपस में जुड़ी हुई इमारतें हैं जो 24 फीट चौड़ी स्पाइन कॉरिडोर से जुड़ी है। इनमें से प्रत्येक बिल्डिंग 15 मंजिल ऊंची है। पूरे बिल्डिंग में 4200 कार्यालय यानी कि ऑफिस है। हर एक ऑफिस का आकार 300 वर्ग फुट से लेकर 75,000 वर्ग फुट तक का है। इसके अलावा बेसमेंट में 2 मिलियन वर्ग फुट का पार्किंग क्षेत्र भी है। इस कार्यालय में कटर, पॉलिशर्स और भी कई तरह के हीरे के व्यापारी अपना कारोबार कर सकते हैं। इस कार्यालय में 65,000 से ज्यादा लोग एक साथ काम कर सकते हैं और यही चीज इसे पूरे वर्ल्ड में फेमस बनाती है। सूरत डायमंड बोर्स को पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन किया गया है और इसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग की तरफ से प्लेटिनम रैंकिंग भी दी गई है। ये हवा को पूरी तरह से बिल्डिंग में प्रसारित करता है, साथ ही फर्श के नीचे ठंडा पानी भी प्रसारित करता है जो इंडोर तापमान को कम करता है। इसके अलावा जो भी ऑफिस है वो पंच तत्व यानी कि वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश पर आधारित है। अगर यहाँ की सुविधाओं की बात करें तो कार्यालय परिसर में एक कॉन्फ्रेंस हॉल, बहुउद्देशीय हॉल, रेस्टोरेंट, बैंक, सीमा शुल्क निकासी घर, सम्मेलन केंद्र, क्लब, एंटरटेनमेंट और भी कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी। भारत के साथ साथ विदेश से आने वाले व्यापारी भी यहां पर आकर डील कर सकते हैं। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस होने के कारण लोग इसे देखने भी आएंगे, जो कि राज्य के पर्यटन उद्योगों को भी बढ़ाने में मदद करेगा। अगर सुरक्षा उपायों की बात करें तो हाई सिक्योरिटी के लिए सुरक्षा चौकियों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पूरे बिल्डिंग में कुल 4000 CCTV कैमरा लगाए गए हैं, जिनको ऑपरेट करने के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इसके अलावा एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर स्कैनर लगा हुआ है, जहां लोगों की जांच की जाएगी। सूरत डायमंड बोर्स से 1.5 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं सूरत के बड़े और छोटे हीरे कारोबारी के लिए व्यापार करना आसान हो जाएगा। इसके आसपास के क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सूरत डायमंड बोर्स मेट्रो स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं मेट्रो लाइन सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एक स्काई वॉक बनाने का प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है जो पैदल यात्रियों के लिए होगा। तो गाइस, ये थी दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय परिसर सूरत डायमंड बोर्स की पूरी जानकारी। आई होप कि गाइस, दुनिया में बन रहे सबसे बड़े ऑफिस की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर दोस्तों और फैमिली तक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।